हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। बच्चों, आज अगर आप CUET पीजी की तैयारी कर रहे हो तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, इस पे लिखा हुआ है CUET पीजी 2025 और फिजिक्स में किस तरह से आपका रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से आपका टारगेट होना चाहिए और किस तरह से आज हम 6 महीने बाद में, 6 से 7 महीने बाद में आप CUET पीजी का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपकी 6 मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप CUET पीजी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, एक बात तो फिक्स है, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं। जो तैयारी कर ही नहीं रहे वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं चाहते हैं। ओबियसली जो तैयारी कर रहे हैं वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ से उनका करियर जो है वो कुछ मोड़ ले पाए, कुछ सुधार ले पाए। और इसी के लिए आपको CUET पीजी की तैयारी करनी है। देखिए, अगर आप CUET पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो हायर यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। आपको कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर जाके आप अपने करियर को थोड़ा सा नया रूप दें, नया जो है वो टर्न दें। और वो कैसे हो पाएगा, सबसे पहले तो आपको एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, शेड्यूल बनाना है। तो शेड्यूल जब आप बना रहे हो तो आपको ध्यान ही रखना है कि आपको सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है। अब उस शेड्यूल में क्या करना है, आपको डेली आपको खुद को टास्क देने, डेली या फिर वीकली। मैं कहूँगा भाई, आप डेली भी दे सकते हो और वीकली भी दे सकते हो। डेली या फिर वीकली आपको खुद को टास्क असाइन करने, ठीक है, कि आज मैं ये सीखूंगा, आज मैं ये सीखूंगा, इस वीक मुझे ये कंप्लीट करना है, 3 से 4 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, इस वीक मुझे 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। फिर आपको जो है बच्चों, आपको पैटर्न के बारे में जानना है। पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस तरह का जो है आपके पास में सिलेबस होने वाला है और किस तरह का CUET पीजी का जो एग्ज़ाम है वो होता है, तो वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो पैटर्न तो आपको जानना ही जानना है बच्चों, ठीक है। आपको पता है 75 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क का पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, 1 नेगेटिव मार्क में नंबर आता है। तो ये पैटर्न जानना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिकल होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ऑप्टिक्स होता है, ऑक्सीलेशन होता है, वेव इन ऑक्सीलेशन होता है, सॉलिड जो मैटर फिजिक्स आती है, ये सब आपके पास में जो है आता है। फिर कुछ चीज़ें बच्चों आपको याद करनी पड़ेगी। सो आप अपने लिए, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, ये तब की बात है जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब कुछ चीज़ें आपको हो सकता है याद रखनी पड़े, कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़े, कुछ शॉर्ट जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़े। तो उसके लिए आप खुद की ट्रिक बनाइए, खुद की ट्रिक को इन्वेंट कीजिए कि हाँ, मैं इस तरह से जो है इस फॉर्मूला और ट्रिक को याद रखने वाला हूँ। अब जो भी शेड्यूल बना रहे हैं ना बच्चों, उससे कभी भी भटकिए मत। ऐसा मत होने दीजिए कि आप जो शेड्यूल बना रहे हो, आज मैंने पढ़ाई करी, कल सो गए और फिर परसों वापस से पढ़ने लग गए। दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी, दिस विल नॉट प्रोवाइड यू द रिजल्ट। अगर आपको रिजल्ट लेना है, अगर आपको जो है वो सिलेक्शन लेना है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, देन कंसिस्टेंसी मैटर्स एंड इट मैटर्स द मोस्ट। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको डे बाई डे शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको हर दिन उस टॉपिक को स्टडी करना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और कोशिश यही करनी है बच्चों की, जो आप आज खुद को टास्क दे रहे हैं वो उसी दिन कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ क्या क्या है देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मेक शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन। मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को क्यों कह रहा हूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, जब अगर दिन के 2 टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, हफ्ते के 7 से 8 टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक अलग से बुकलेट डालिए, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप रिविजन करोगे तो रिविजन अपने शॉर्ट नोट्स से करना है, और कम से कम आपको बच्चों, मैं कहता हूँ कि कम से कम आपको 2 रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 रिविजन कम से कम, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, 2 रिविजन की जरूरत पड़ेगी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में। बच्चों पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, पीवाईक्यूज क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या होते हैं बच्चों,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है भाई। जो सीयूईटी पीजी है वो 4 से 5 बार हो चुका है, ठीक है, और सीयूईटी पीजी का एग्जाम जितनी भी बार हुआ है उन सभी में आपको जो है क्या करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने भाई। अगर 3 बार हो तो 3 बार देख लीजिए, अगर 4 बार हो तो 4 बार देख लीजिए, अगर 5 बार है तो 5 बार देख लीजिए, लेकिन जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं उन सभी पीवाईक्यूज को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगली बार देखिए बच्चों, देखो मेरा जो प्लान है ना बच्चों आपके लिए वो बड़ा सिंपल प्लान है। प्लान ये है कि आज से 5 महीने आप अपनी तैयारी के लिए एकदम प्रिजर्व कर लीजिए कि मुझे 5 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में देने हैं, ठीक है। अगस्त का महीना जा चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, जनवरी तक अब अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 से 6 सब्जेक्ट आपके पास में आराम से कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं कुछ सब्जेक्ट बड़े हैं, आराम से आप 5 महीने में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है। गिव 5 मंथ्स टू द कोर्स एंड लास्ट मंथ टू द रिविजन। बच्चों अगर आप 5 मंथ कोर्स को देंगे और लास्ट मंथ रिविजन को अगर देंगे आप, तो मैं कहता हूं आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, आपने रिविजन कर लिया 2 बार, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे रिविजन कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस जो है वो कराए हैं या फिर आप देख पा रहे हो वो आपने करे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलाए हैं, देन सिलेक्शन इज फॉर श्योर। और जब बच्चों आप रिविजन कर लेते हो, भाई 6 महीने बचे हैं, 5 महीने आपने पढ़ाया, फिर 6ठे महीने आपने रिविजन करा, मैं कह रहा हूँ रिविजन को 10 से 15 दिन दीजिए, ठीक है। रिविजन 15 दिन में अगर हो जाता है बच्चों, तो लास्ट के 15 दिन आप हर एक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर दीजिए जो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर है, या फिर एक ये काम कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट दीजिए पूरे हफ्ते, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स का, वेव एंड ऑक्सीलेशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल का, हर एक टेस्ट दीजिए अलग अलग, और फिर बाद में लास्ट का जो है 1 हफ्ता बचेगा आपके पास में, उसमें सभी को मिलाकर टेस्ट देते रहिए हर दिन। आई कैन गारंटी यू दैट इफ़ यू फॉलो दिस प्रोसीजर, इफ़ यू फॉलो दिस शेड्यूल, देन योर सिलेक्शन इज फॉर श्योर। बच्चों कोई नहीं रोक सकता फिर आपका सिलेक्शन होने से, कन्फर्म आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई भी नहीं रोक सकता है, योर सिलेक्शन विल बी गारंटीड। लेकिन आपको एक करना होगा, इस प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि प्रोसेस और उसको एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल आप बनाते हो अच्छी बात है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने शिद्दत से आप शेड्यूल बनाते हो उतनी ही शिद्दत से आपको एग्जीक्यूशन करना है, देन यू विल बी पाथ टू सक्सेस, यू विल बी ऑन द पाथ टू सक्सेस ऑफ सीयूईटी पीजी। बच्चों इसी के साथ बता दूं मैं आपको, सॉल्व तो करना ही है आपको, है ना, टेस्ट सीरीज तो आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है लास्ट मंथ में। इसी के साथ मैं बता दूं कि हमने एक नया बैच लॉन्च करा है बच्चों, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स है बच्चों, एक है एक्सक्लूसिव लाइव बैच और एक है रिकॉर्डेड बैच। अगर आप एक्सक्लूसिव लाइव बैच की बात करो ना बच्चों, ठीक है, ये 20 अगस्त को शुरू हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये क्या हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो प्राइस रखी है बच्चों हमने वो रखी है 3999, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दिस इज 3999 रुपीज, ठीक है बच्चों, मतलब सिर्फ 4000 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, वो भी लाइव, बेस्ट रिनाउंड फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों, और बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा सिलेबस, टेस्ट सीरीजेस, संडे टेस्ट, बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। फिर भी क्या होता है ना बच्चों कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर हमें समय नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। इसमें क्या होगा सर, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स में क्या होगा बच्चों, आपको जितने भी हमने रिकॉर्ड्स करके लेक्चर रखे हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको टेस्ट भी उसके साथ में मिलेगा, लेकिन ये जो है इससे भी कम प्राइस पे आपको मिलेगा 2999 रुपीज में। सो अगर आप कर रहे हैं सीयूईटी पीजी की तैयारी, अगर आप कर रहे हैं पूरे मन से तैयारी करने में लगे हुए हैं, देन आई थिंक द लाइव कोर्स एंड द रिकॉर्डेड कोर्स इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच बच्चों, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।